आपके हिसाब से सिर्फ बहुत कम शब्दों में बात करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ मोहिनीदीन साहब, प्रगतिशील लेखक संघ के मुख्य सचिव थे। जनाब सदर साहब मंच पे बैठे और लोग ख्वातीन व हज़रात, मैं दरअसल यहाँ शमशेर साहब के बारे में सुनने के लिए और मैं शिरकत का मकसद ये था कि उनके मेरे जानिब से उनको खामोश इखराज अकीदत अपने तौर पर पेश करूं। लेकिन कल से नामवर जी दिलीप सिंह साहब विमल साहब को सुनने के बाद शमशेर की शायरी, शमशेर की शख्सियत और शमशेर के फ़न को समझने में बड़ी आसानी हुई है। शमशेर एक गहरा समंदर है, एक ज्वालामुखी है और एक लाखों आवाम के कदमों की चाप है और उसके साथ साथ शमशेर एक चंबेली का फूल भी है। इस लिहाज से शमशेर को हम जिस तरह से देखेंगे उनमें उन जिस मकासद के लिए, जो सोशल जस्टिस के लिए, जो गरीब आवाम की सुकून के लिए, उनकी ज़िंदगियों को बदलने के लिए अपनी शायरी के ज़रिए, अपने काम के ज़रिए, अपनी कमिटमेंट के ज़रिए उन्होंने जो कोशिश की थी उसको आज हमारे मुल्क के नौजवानों को समझने की ज़रूरत है और उनके इन ख्यालात को, उनके जो छोड़े हुए अधूरे काम हैं उनको हमको एक पूरा करने की ज़रूरत है। यहाँ पर उर्दू हिंदी का जो काम मिलकर करने की बात हो रही है, हम तो यहाँ हैदराबाद में ना दिलीप सिंह साहब स्वाधीन और ना हमारे लाट साहब के साथ मिलकर हम ये काम तो शुरू से ही कर रहे हैं। हम अब चाहते हैं कि अब ये बात चली है तो इसको और मजबूत करने की ज़रूरत है और दो ज़बानें अगर इस साथ आती हैं तो यकीनन दो उर्दू अदब में और हिंदी अदब में भी बहुत बहुत अच्छा एक वातावरण बनेगा और इससे दोनों ज़बानों को भी फ़ायदा हो सकता है। मैं इस तकरीब में आने के बाद मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ पर शमशेर के जलसे में मुझे बोलने का मौका दिया और ये मेरे लिए एक एजाज़ की बात है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।